आवाज आ रहा है? वॉल्यूम है? बच्चों हैप्पी दिवाली, जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस इवेंट की। हम लोग बहुत ही चमत्कारी पीढ़ी हैं जिसने ऑलमोस्ट बहुत कुछ बदलते देखा है, यस और नो। एंड आई थिंक हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेट अस गो फॉरवर्ड। आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? चलो लेट अस स्टार्ट। आपको अगर याद हो तो हम लोग टैक्स रेट शुरू किया था, से यस राइट। कहाँ से इंस्पायर्ड थे हम? इंस्पायर्ड थे सेक्शन नंबर 4 से। कहाँ से इंस्पायर्ड थे? सेक्शन नंबर 4 से। तो सेक्शन नंबर 4 कहता था टैक्सेस जो होंगे ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू लेवी होंगे, राइट। फिर हम लोग पर्सन और एसएससी का डेफिनेशन देखे थे, आगे बढ़े थे, टैक्स रेट देखा था। टैक्स रेट के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले स्लैब देखा था, और टैक्स कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले आता है HEC, दूसरा आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तीसरा आता है राउंड ऑफ, चौथा फिर सर्कुलर पड़ा था, पांचवा पड़ा था स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, येस और नो। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में हमने लास्ट के दो अब तक नहीं पढ़े, वो आगे डिस्कस करेंगे, ये अब तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने स्पेशल एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी। स्पेशल एडजस्टमेंट्स के अंदर में क्या था? इफ एसएससी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है एंड है स्पेशल इनकम, तो स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट यूज्ड टुवर्ड्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। एक टैक्स प्लानिंग की चीज हम लोगों ने समझी थी, वो ये थी कि अगर कभी भी दो इनकम है जो दोनों भी सेट ऑफ हो सकती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो पहले वो एडजस्ट करो जिसका टैक्स रेट ज्यादा हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन द केस ये बदल भी सकता है। फिर हम लोगों ने लास्ट चीज क्या पढ़ी थी बेटा? सरचार्ज, राइट। सरचार्ज का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द लास्ट सिचुएशन आई गेस, यस और नो। दैट वाज बेस्ड ऑन द लास्ट सिचुएशन। व्हाट वाज दैट लास्ट सिचुएशन गाइस? व्हाट वाज दैट लास्ट सिचुएशन? कि अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड 2 और 5 करोड़ बट नॉट कवर्ड इन द लास्ट टू सिचुएशन, तो ऐसे केस में जो आपका सरचार्ज रेट रहेगा वो क्या रहेगा? 15%, यस। तो मैंने आपको क्या किया था बेटा? एक प्रॉब्लम दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कुछ यही प्रॉब्लम था वो, यस। पीजीबीपी की था 1.80 करोड़ था, राइट, 1.80 करोड़। तो इसका आंसर क्या आया है? 73,350, इज इट? यस। तो चलो लेट्स चेक ये किस तरह से आया होगा, लेट्स चेक ये किस तरीके से आया होगा। सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ पीजीबीपी, और यहाँ लिख लेता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख रुपीस था, बराबर ना? तो 60 लाख का 20%, 112 है, 112 ए नहीं, 112 दिया है, तो 60 लाख इंटू 20%, ये आ गया आपका बेटा 12 लाख, बराबर है। इसके ऊपर सरचार्ज इधर ही लगा दूँ तो कोई तकलीफ नहीं? सरचार्ज हियर एट द रेट ऑफ 15, नीचे भी करूँगा तो वही बात होगी, इधर भी करूँगा तो वही बात होने वाली है, यस। इंटू 15%, ये आया 1,80,000, टोटल कर दिया मैंने, यहाँ के आ गया 13,80,000, ठीक है। पीजीबीपी यहाँ पे आ रहा है 1.80 करोड़, इसमें से 10 लाख तक का टैक्स मेरे को पता है, बराबर है ना? 1,12,500, तो 1 करोड़ 70 लाख पे 30% कितना आ रहा है बेटा? 51 लाख। तो टोटल टैक्स बना यहाँ पे 52,12,500, इस पे क्या ऐड करेंगे? सरचार्ज। सरचार्ज यहाँ पे कितना रहेगा एट द रेट ऑफ 15%? एवरीबॉडी 7,818,750, बराबर ना? 59,94,375। चलो अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड, टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज 73,74,375, इसमें क्या ऐड कर देंगे? HEC एट द रेट ऑफ 4%, टोटल आया 76,69,350, that is 76,69,350. Everybody getting this answer Malik? Yes or no? Yes. चलो जी, हाँ डन। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, राइट। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इधर आइए, ये वो सरचार्ज का टेबल है जो हम लोगों ने पढ़ा, नोट्स में देख लीजिए। आखिरी में 15 15, इधर 25, इधर 37, इधर 25, इधर क्या बेटा 37। यस, अच्छा। इसके नीचे अगर आप देखोगे ना, यही सारे जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए हैं उन सभी के ऊपर क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स। तो ये एक बार आप लोग आराम से कर सकते हो, घर पे भी कोई तकलीफ नहीं है। आते हैं हम लोग किसके ऊपर, नेक्स्ट, टैक्स रेट फॉर अदर एसएससी के ऊपर। आज के लेक्चर का हमारा टारगेट क्या है, टैक्स रेट फॉर अदर एसएससी इन द ओल्ड स्कीम। यस, प्लस अगर आज मौका मिलता है तो 115 बीएससी भी हम क्या कर देंगे, जंप कर देंगे। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट टू टैक्स रेट फॉर अदर्स। Let us first start tax rate for others. Tax rates for others. सबसे पहले किसके ऊपर आता है, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। एनीवन, क्या इसमें कोई अमेंडमेंट आया है? द आंसर इज नो। फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी में कहीं कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम सेम है। अप टू ₹1 करोड़, एनीवन 30% प्लस 4%। यस, इफ द इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़, एनीवन 30% प्लस 12% प्लस 4%। तो इनका सरचार्ज रेट, HEC रेट, टैक्स रेट। तो फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। बराबर है ना? चलिए, बहुत शानदार। अब हमें किसके लिए चेक करना है टैक्स रेट? कोई और बच जाता है? देखो, इंडिविजुअल कवर्ड, HUF कवर्ड, AOP, BOI, AJP, फर्म, और क्या बचा है? कोई SSC बचा है? हाँ, कौन सा बचा है? कंपनी। आओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंपनी। कंपनी में आया है अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2023 से। कंपनी में आया है अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2023 से। कंपनी को हम मेजरली दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है? देखिए, लॉजिकली स्पीकिंग इंटर लेवल पे अगर मैं बात करूँ ना आपसे, इंटर लेवल पे अगर मैं बात करूँ ना, तो फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स आपको बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते। यस, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं है कि पूछे ही नहीं जाते, पर बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अब फॉरेन कंपनीज़ के लिए टैक्स रेट क्या है? अगर मैं ओल्ड स्कीम की बात करूँ, यहाँ पे अप टू ₹1 करोड़ 40% प्लस 4%। इसमें कोई चेंज नहीं है। ₹1 करोड़ टू ₹10 करोड़, एनीवन 40% प्लस 2% प्लस 4%। अबव ₹10 करोड़ 40% प्लस 5% प्लस 4%। तो यहाँ पे सरचार्ज के जो रेट है ये 2% एंड 5% है। यहाँ कोई चेंज नहीं आया है, ये एज इट इज था, एज इट इज है। बराबर है ना? चलो, फॉरेन कंपनी डन। एक बात आप देखेंगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट कंपनीज को दिया ही नहीं है, फर्म को भी नहीं दिया। इनका ₹1 से डायरेक्ट टैक्सेबिलिटी है 30% पे। तो ऐसा कोई किसी ने मत बोलना, सर आपने रिबेट क्यों नहीं दिया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है। इनको कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही नहीं है। एंड इसके भी पीछे एक लॉजिक है, पूछो क्या? देखिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को देने के पीछे का लॉजिक समझ लो, आपको समझ जाएगा इनको क्यों नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति जो ह्यूमन है, राइट, इनके साथ सिचुएशन ये घर परिवार लेकर के चल रहे हैं। आज एक बहुत आम परिवार की भी अगर मैं बात करूं, इंडिया में पर मंथ का खर्चा आपके हिसाब से कितना होगा उसका? 20,000 में पकड़ सकता हूं क्या? कि एटलीस्ट 20,000 तो उसको चाहिए ही चाहिए एक गुड लाइफ एनकर करने के लिए, बराबर है ना? 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 12, 2,40,000, 10,000 एडिशनल दिया। यहाँ से बना था 250, इस सोच के साथ बना था 250। समझ में आई बात? इसके पीछे 250 के पीछे कोई लॉजिक नहीं था, पर यह था कि एक आम जिंदगी बिताने के लिए 20,000 रुपये तो लगभग उसको लगेंगे ही, सारे खर्चे पानी पकड़ के। 10,000 और एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए रखे गए थे। दैट्स हाउ 250 वॉज अराइज्ड। 250 को वो लोग लेकर के आए थे। और मैंने आपसे कहा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर प्लेइंग विथ रिबेट विथ अ लॉजिकल रीजन। सलमान भाई याद आ रहा है क्या? राइट? अब क्या हुआ, जरा बात समझिएगा। अब क्या हुआ कि इन्हों को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सिर्फ वो व्यक्ति को देना था जो घर परिवार के साथ है। कंपनीज ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्म इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनको घर बार बीवी बच्चे है ही नहीं, तो इनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देने का कोई लॉजिक नहीं है। समझ में आया? दैट्स वाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन which is firm, company, AOP, BUI, sorry, firm, company, you know, local authorities, इनको क्या नहीं दिया गया? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं दिया गया। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर। अब डोमेस्टिक कंपनी के दो अलग अलग रेट है। ये अलग अलग रेट क्यों है, इसका हिस्ट्री पहले समझना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा ये दो अलग अलग रेट क्यों रखे गए हैं। सर इसका हिस्ट्री ये था, 2014 में जब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आई थी, एनडीए गवर्नमेंट, जिसको हम शॉर्ट शब्दों में, आपके समझने लायक शब्दों में, मोदी गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आए थे, तो इनको आने से पहले इन्होंने वादा किया था कि अगर आप हमारी सरकार को चुन करके लाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें करेंगे, बराबर है, जिनमें कुछ तो आज ही संपन्न हुए हैं, बराबर है। उन्होंने वादे किए थे कुछ कि भैया हम ये खत्म करेंगे, जिसमें आर्टिकल 370 एक मुद्दा था, ट्रिपल तलाक एक मुद्दा था, राम मंदिर इशू एक मुद्दा था। इसमें एक और लिस्ट के अंदर में पॉइंट था, भैया टैक्स हम लोग जो कंपनी का टैक्स है 30%, इंडिया के ग्रोथ के लिए इसको 25% पे लेके आ जाएंगे। 2014 द गवर्नमेंट गॉट सिलेक्टेड। इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ गवर्नमेंट लाते ही इन्होंने क्या किया, कंपनीज के टैक्स रेट को 29% पे लेके आ गए। मतलब 30% से रिड्यूस करके कितना लेके आए? 29। अब अगर मैं बड़ी कंपनीज के हिसाब से बात करूं मैं, राइट, तो 1% बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। अगर मैं बड़ी कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूं, आपको परसेंटेज वाइज दिखेगा 1% कम होने से क्या हुआ। अगर मैं 1,000 करोड़ के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो 1% बहुत बड़ा मायने रखता है। समझ में आ रही बात? तो अब उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, एवरीबडी वॉज हैप्पी कि भैया जो वादा नहीं किया वो निभा भी लिया, राइट। अगले 3 साल ये टैक्स रेट कम करना ही भूल गए। समझ में है? आ तो गए। अब उधर से दीदी चिल्लाई, दीदी अबे उधर वाली दीदी इंडिया के, समझ में आया, ममता दीदी, एटो चौलबे ना, तुम बोला था टैक्स रेट कम करेगा, एटो चौलबे ना। ऊपर से मफलर वाले बाबा भी चिल्लाए, है ना, माफ कीजिएगा मैं बस आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। ऊपर से वो भी चिल्लाए ये गलत है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र से भी कई लोग चिल्लाए, जर कंपनीचा टॅक्स कमी केला नाही मारल्याशिवाय राहणार नाही। उधर नीचे से भी कई लोग चिल्लाए, नीचे से अरे मतलब हैदराबाद साइड से भी कई लोग चिल्लाए, मोदी जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप लोगों ने बोला था टैक्स रेट कम करेंगे, आप लोग को टैक्स रेट कम नहीं करे, व्हाट इज दिस बिहेवियर। जाके इनको समझ में आया यार अपने वादा किया था पर हुआ नहीं। अब 3 साल बाद कर भी क्या लेंगे, आज के टर्नओवर के बेसिस पे कम करें, किस बेसिस पे कम करें? तो इन्होंने क्या किया जरा समझना, 2017 में आके, 17-18 में आके इन्होंने क्या कहा, 15-16 के टर्नओवर अगर यू नो 50 करोड़ के ऊपर नहीं है तो 25% नहीं तो 30%। और आज तक और बड़े चैनल पे चलाया, देखो कंपनी का टैक्स रेट 25% कर दिया। जिनको समझा ही नहीं उन्होंने किस कंपनी के लिए किया, जिसका टर्नओवर कितने करोड़ से ऊपर नहीं है, 50 करोड़ से ऊपर नहीं है। बाकी सारी कंपनी मस्त मस्त क्या कम किया है, मस्त बड़ी कंपनी रिलायंस मोटा भाई क्या चिल्लर पकड़ा है हमारे हाथ में, 50 करोड़ का टर्नओवर। अरे 50 करोड़ का टर्नओवर टर्नओवर होता है क्या? यस और नो? 50 करोड़ का टर्नओवर को टर्नओवर होता है क्या? दीदी बोले रुको जरा सबर करो। अगले साल आए, अगले साल बोला कि 2 साल पहले का टर्नओवर, अब ये 2 साल पहले का टर्नओवर क्यों पकड़ रहा है आज खड़े होके? क्योंकि करंट ईयर का टर्नओवर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा, पिछले साल का टर्नओवर अब तक फिक्स नहीं हुआ होगा क्योंकि ऑडिट नहीं हुआ होगा। बात समझना, उसके पहले वाला तो ऑडिट भी हो चुका होगा और सबमिट भी हो चुका होगा, इसीलिए जिस साल में खड़े हैं उसके 2 साल पहले की बात करते हैं। मतलब अगर मैं 23-24 में खड़ा हूँ, ये कौन से साल की बात करेंगे? 21-22। समझ में आ रही बात? लॉजिक समझा गया? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्यों? क्योंकि करंट ईयर के टर्नओवर का तो सवाल ही नहीं, हम असेसमेंट ईयर में खड़े हैं। फाइनेंशियल ईयर का इसलिए नहीं क्योंकि सबमिट नहीं हुआ होगा, तो उसमें चेंजेस कर सकते थे। उसके पहले वाला तो सबमिट हो चुका होगा, डन हो चुका होगा, असेसमेंट हो चुका होगा, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। तो 2 साल पहले का टर्नओवर। फिर अगले साल इन्होंने 50 करोड़ को 250 करोड़ किया। 250 करोड़ में इंडिया की मैक्सिमम कंपनीज कवर हो गई। 250 का टर्नओवर करो, 250 करोड़ का टर्नओवर है अगर 2 साल पहले, तो आज का टैक्स रेट 25%, नहीं तो आज का टैक्स रेट 30%। फिर आया 2019, इलेक्शन था। इलेक्शन तो गुजरात में भी होते हैं ना। 400 करोड़ लिमिट को कितना लेके चले गए? 400 करोड़। अब बराबर ठीक लग रहा था। अब 400 करोड़ एक बड़ी लिमिट होती है, बात समझना, 400 करोड़ एक बड़ी लिमिट होती है। हालांकि इंडिया की कुछ कंपनीज आज इस लिमिट से बाहर है, वो 30 दे रहे, पर मैक्सिमम कंपनीज क्या आ रही है? 400 करोड़ के अंदर आ रही है। दूसरा, कंपनी भी बड़ी समझदार। पूछो कैसे? कंपनी भी बड़ी समझदार। कंपनी क्या करती थी? अपने टर्नओवर को फिर स्प्लिट कर लेती थी। समझ में आया क्या? कंपनी भी बड़ी समझदार, कंपनी भी क्या करती थी? अपने टर्नओवर को स्प्लिट कर लेती थी, विषय खत्म। एवरेजिंग कर लेते थे वो अपनी चीजों को इस तरीके से। अब 2 तरीके बने। एक बना पहला, डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर इन 21-22, आप जब तक नवंबर 23 दिसंबर 23 का एग्जाम दे रहे थे यहां लिखा था 2021, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल ईयर आगे चले गए, ये भी एक फाइनेंशियल ईयर आगे आ गए। अमेंडमेंट समझ में आया? बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ चेंज हुआ है। विथ लॉजिक समझाया क्यों हुआ है, बराबर है? तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 23-24, 2 साल पहले देख रहे 21-22, पिछले साल तक के क्या था? 20-21। समझ में आई बात? राइट। डज नॉट एक्सीड, बोलो कितना? 400 करोड़। 400 समझा कहाँ से आया? तो अप टू 1 करोड़ 25% प्लस 4%, 1 करोड़ टू 10 करोड़ 25% प्लस 7% प्लस 4%, एंड अबव 10 करोड़ 25% प्लस 12% प्लस 4%। तो ये है इनके सरचार्ज रेट। आपको याद होगा मेरा एक स्टेटमेंट, सरचार्ज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बच्चा कह रहा है सर मैं बंगाल से हूँ। हम है तो सब भारतीय ना, फिर काहे को तू? सब ICAI वाले हैं, हमारा कोई अदर रिलीजन नहीं है। सीरियस नहीं होने का लाइफ में। यस सर, एक जो डिविडेंड वाला क्वेश्चन है वो भी लीजिएगा। ओरे सब आएगा वो जरा। इज दैट डन? अच्छा, अब अदर कंपनीज का क्या? मतलब जिनका टर्नओवर ही 400 करोड़ के ऊपर जा रहा होगा इन 21-22, या फिर कंपनी ही 21-22 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई होंगी, बराबर है? उनका क्या? तो उनके लिए आज भी क्या रखा गया है? 30% प्लस 4%, इधर 30% प्लस 7% प्लस 4%, इधर 30% प्लस 12% प्लस 4%। बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। डन? बेटा चलो जी, तो ये हो गया आपका कंपनी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स रेट फॉर अदर्स, इंडिविजुअल वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, हम टैक्स रेट फॉर अदर में आए। पहला हमने पढ़ा फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। दूसरा हम लोग आए कंपनी पे, कंपनी के कितने पार्ट है बेटा, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। अब ध्यान से सुनिए, इंडिविजुअल हैज अ ऑप्शन, इंडिविजुअल हैज अ ऑप्शन कि वो क्या कर सकता है, टैक्स स्कीम ले सकता है 115 BAC। कंपनी के लिए वही क्या बनता है, 115 BAA, 115 BAB। यस और नो? तो companies can opt for 115 BAA, 115 BAB। आपको एक बात पता है, फर्म के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, इंडिविजुअल के लिए है, कंपनी के लिए है, फर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं अब तक। हो सकता है अगले साल तक लॉन्च भी कर दे, इसी बजट में लॉन्च भी कर दें। ये ठीक है मालिक? चलिए, जितने बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं ना बेटा, अननेसेसरी चैट प्लीज अवॉइड करो। मतलब मेरा भी ध्यान भटका रही है और तुम्हारा भी ध्यान भटका रही है, बिल्कुल मत करो। कुछ आपसे पूछा तो बोलो, नहीं तो बोलो भी मत। डन। आते हैं सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट के ऊपर को ऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ आया है एक और अमेंडमेंट। अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या है सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी का अप टू फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, ऑन द बैलेंस 30%। बराबर। इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 7%, 10 करोड़, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%, प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4%। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में फर्स्ट 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20%, एंड बैलेंस पे 30%। यस। अगर आप देखेंगे, आप अगर नवंबर 23 के पहले वाले स्टूडेंट हैं और मान लीजिए टैक्स आप डायरेक्टली अभी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपको सरचार्ज में डिफरेंस दिख रहा हो। पहले जो सरचार्ज था वो डायरेक्टली यहाँ पे 12% हुआ करता था, राइट? ये पिछले फाइनेंस एक्ट के अंदर में चेंज हो चुका था, इनका सरचार्ज रेट डोमेस्टिक कंपनी से अलाइन कर दिया गया था, राइट? तो आप देखेंगे डोमेस्टिक कंपनी का 1 करोड़ के ऊपर 7% आता है एंड 10 करोड़ के ऊपर कितना आता है, 12%। यहाँ पे भी वही सेम चीज रखी गई है। समझ में आ रही है बात, राइट? अब सुनना, पिछले साल तक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक ही अल्टरनेटिव टैक्स था, 115 BAC BAD। पिछले साल तक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक ही ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम था, वो था 115 BAD। अमेंडमेंट इस साल एक और लेके आया बे। समझ में आ रही बात? तो इस साल एक और लेकर के आया 115 BAE। ये ऑल टुगेदर नया सेक्शन है। सर क्या ये हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल है? हाँ सर, मतलब हमारी, हाँ सर, लेकिन हाँ ठीक है। ओके चलो बेटा, यहां तक के ठीक है सभी लोगों को? अब देखो, अगर मैं ऑल्टरनेट टैक्स की बात करूं, सिर्फ ऑल्टरनेट टैक्स जिसको पहले कहते थे, और अब वो क्या हो जाएगी, डिफॉल्ट स्कीम। इंडिविजुअल्स के लिए 115 BAC, फर्म के लिए एग्जिस्ट करते नहीं, कंपनी के लिए BAA BAB, कोऑपरेटिव के लिए BAD BAE। समझ में आ रही है बात? ये है आपका ओल्ड टैक्स स्कीम। ये क्या है बेटा आपका ओल्ड टैक्स स्कीम पूरा का पूरा। चलो अब ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर में एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर क्या होना चाहिए 7 ना, एग्जाम्पल नंबर 7। टैक्स विथ डिविडेंड कॉन्सेप्ट। टैक्स विथ डिविडेंड कॉन्सेप्ट। आ जाओ टैक्स विथ डिविडेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझो तो आपको सारा गेम हिसाब किताब समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, इज डिविडेंड टैक्स एट नॉर्मल रेट? इज डिविडेंड टैक्स एट नॉर्मल रेट? यस, बट मैक्सिमम रेट ऑन सरचार्ज ऑन डिविडेंड इज 15%। तो डोंट यू थिंक इसके टैक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आना चाहिए? यस, क्योंकि टैक्स जो निकल रहा है वो तो कैसे निकल रहा है नॉर्मल रेट, राइट? पर इसके ऊपर जो सरचार्ज लग रहा है वो किस रेट से लग रहा है डिफरेंट रेट। तो आपको इसे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, आपको इसे क्या करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। आइए समझते हैं इस चीज को। राइट डाउन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलो ये ले लेते हैं। This is I am taking question number 8 of questionnaire। Question number 8 of questionnaire। इसी में ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। Just take PGBP 3 crore 34 lakhs, dividend income 13 lakh, long term capital gain under section 111A 3 lakh, long term capital gain ये short term होना चाहिए, short term capital gain under section 112 1 lakh, and long term capital gain under section 112A 2 lakh। बराबर टोटल होगा 3 crore 53 lakh। अच्छा यहां आपके दो कंसेप्ट्स को मैं और क्लियर करना चाहता हूं। कंपनी का टैक्स रेट 30% है। मान लो कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, वो 30% पे लगेगा या 20% पे लगेगा? सवाल है मेरा, सवाल समझा सभी को? कुछ बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो कंपनी है, फर्म है, इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो वो 30% पे आना चाहिए या वो स्पेशल रेट पे लगेंगे? पक्की बात ना? हाँ, फिर भी तुम सेफर साइड लिखो, तुम ना सेफर साइड लिखो। कंपनी में जाओ, लिखो स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। फॉर्म में भी लिखो स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट, कंपनी में भी लिखो, कोऑपरेटिव में भी लिखो। तीनों जगह एक ही नोट डालो स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट। है ना, स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट। चलो कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, हम दोनों मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। बचे हुए और क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चनर में हैं, प्लीज जरा ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 3 इनकम ऐसी है जो स्पेशल रेट पे है? बराबर, बची हुई 2 इनकम इन पे टैक्स रेट क्या है नॉर्मल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये 4 इनकम ऐसी है जिन पे सरचार्ज रेट कितना होगा 15%, और ये इस इनकम पे सरचार्ज रेट कितना होगा 25%, क्योंकि अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है। बराबर है। अब समझो पूरा गेम ये डिविडेंड पे आके रुक रहा है, पूरा गेम किस पे आके रुक रहा है, डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड पे जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो तो नॉर्मल रेट से कैलकुलेट करना है, पर सरचार्ज जो कैलकुलेट करना है वो डिफरेंट रेट से कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से डील किया जाता है, राइट, अ वेरी गुड प्रॉब्लम, मार्क करिएगा इसे इंपॉर्टेंट। अब आओ एक एक चीजों को हैंडल करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे मेरे साथ पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस, बराबर। चलो सबसे पहले स्पेशल टैक्स निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना है बेटा, 3 लाख है ना, तो 3 लाख का 15%, इज इट 45,000, फिर आया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना है बेटा, 1 लाख, 1 लाख का कितना परसेंट लोगे, आवाज़ निकालते जाओ मेरे साथ, 1 लाख का कितना परसेंट लोगे, 20%, या आया 20,000 रुपीज को शक। तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 1 लाख इंटू 10%, एवरीबडी, इज इट 10,000, आपकी स्पेशल इनकम इतनी ही थी, इज इट 75,000, ठीक है। अब आते हैं बी, बी को आप क्या कर दो, नॉर्मल। सबसे पहले कौन सी इनकम आपकी, पीजीबीपी, 3 करोड़ 34 लाख, बराबर ना, 3 करोड़ 34 लाख। दूसरा आपकी कौन सी इनकम थी बेटा, डिविडेंड इनकम, दूसरी आपकी कौन सी इनकम थी बेटा, डिविडेंड इनकम, कितनी थी डिविडेंड इनकम, 13 लाख। आपका टोटल इनकम कितना हो गया, 3 करोड़ 47 लाख, बराबर ना, 3 करोड़ 47 लाख। अब इस 3 करोड़ 47 लाख में से क्या मेरे बच्चे को पता है 10 लाख तक का टैक्स कितना होगा, कितना, अप टू 10 लाख, आपका टैक्स आएगा 1,12,500। बैलेंस कितना बचा, 3 करोड़ 37 लाख, इस पे टैक्स आएगा एट द रेट ऑफ 30%, वन करोड़ 2,22,500 आपका नॉर्मल टैक्स आना चाहिए, बराबर। अब ये तो आपका टैक्स निकल गया, लेकिन एक बात बताइए, ये तो टैक्स है, ये जो टैक्स है 1 करोड़ 2 लाख समथिंग, ये तो आपका टोटल टैक्स ऑन बोथ द इनकम, इसमें प्रोपोर्शनल डिविडेंड इनकम एंड प्रोपोर्शनल पीजीबीपी करना पड़ेगा, ये सुनो। अब देखो इसको करने के दो तरीके थे, कुछ लोग क्या करते थे, ध्यान से समझना, इसको करने के दो तरीके थे। एक तरीका क्या है, कुछ लोग पीजीबीपी को पूरे के पूरे का ऐसे एडजस्ट कर देते थे, बिजनेस इनकम से एडजस्ट करते थे, और बचा हुआ डिविडेंड इनकम को 30% पे टैक्स निकालते थे। ये एक तरीका है इसको करने का, क्योंकि लॉ में इस पर क्लैरिटी नहीं दी गई है। और दूसरा तरीका क्या है, हम टोटल टैक्स निकालें और उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिवाइड करें। अगर मैं आपसे पूछूं ये 1 करोड़ के अंदर में डिविडेंड के प्रोपोर्शन का टैक्स कितना है, तो आप इसके कैसे निकालना ट्राई करेंगे, टैक्स इनटू डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, बराबर ना, कॉस्टिंग में भी ऐसे ही करते थे टैक्स। तो अब आप बताइए टैक्स ऑन डिविडेंड कितना, टैक्स ऑन डिविडेंड कितना, इनटू डिविडेंड इनकम कितना था बेटा, 13 लाख, इन टोटल इनकम Is it 3,82,976 पाई समथिंग 6 कर दूं, बराबर है। अब टैक्स ऑन पीजीबीपी निकल गया मेरा, भाई जो भी बचा होगा बैलेंस वही होगा। ₹98,39,524 बराबर है ना। देखो हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बॉस डिविडेंड पे जो सरचार्ज लगने वाला है वो कम है और सरचार्ज बीजीबीपी पे जो लगने वाला है वो ज्यादा है, तो हमें सेग्रीगेट करना था। टैक्स कॉमनली निकाला, इस कॉमन टैक्स को हमने प्रपोर्शन किया उस इनकम से जितनी इनकम उसको अर्न करी है, और अब हम इसके ऊपर सरचार्ज क्या कर देंगे, डिफरेंट। अब हम इसके ऊपर सरचार्ज क्या कर देंगे, डिफरेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरा टोटल टैक्स आपका कितना आया, यहाँ पे ये आ गया 10,225,500। क्या मैं मेरा टोटल टैक्स निकाल सकता हूँ A+B? Is it 1,02,97,500? ये मेरा टैक्स हो गया। अब मैं इस पे क्या निकालूंगा, सरचार्ज। अब मुझे बताओ सरचार्ज सबसे पहले डिविडेंड इनकम पे, डिविडेंड का टैक्स कितना आया था, 3,82,976 इंटू 15%। डू यू अग्री? टैक्स पे सरचार्ज लगता है तो डिविडेंड प्रपोर्शन पे सरचार्ज। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कितना था मेरा, 45,000। 45,000 इंटू 15%। फिर था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना था बेटा, 20,000 इंटू 15%। फिर था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, ये आया 10,000 इंटू 15%। सरचार्ज लगा रहे बेटा हम, याद रखना क्या लगा रहे, सरचार्ज। टैक्स तो पहले ही निकाल दिया, बराबर है ना। डिविडेंड का कंसेप्ट समझा क्या सभी को, एवरीबॉडी? बेस्ट पार्ट पता है क्या, क्योंकि डिस्प्यूटेड मैटर है, इंस्टीट्यूट ने एक भी क्वेश्चन इसके ऊपर देना सही नहीं समझा, तुमको छोड़ो फाइनल लेवल पे भी नहीं दिया। डिस्प्यूट क्या है मैं बताता हूँ, ये जो डिविडेंड को हम प्रपोर्शन कर रहे हैं ना, यही डिस्प्यूट है। क्योंकि एक तरीका है कि आप पीजीबीपी से पूरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट कर लो और डिविडेंड को सीधा 30% पे टैक्स करो, इससे तुम्हारा टैक्स बचता है, इससे तुम्हारा टैक्स बचता है। और दूसरा तरीका है तुम इसको प्रोपोर्शनेट करो। अब इंडिया के कुछ बुक मेथड 1 फॉलो कर रहे, कुछ बुक मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं। द वर्स्ट पार्ट इज इंस्टीट्यूट ने तुमको एक क्वेश्चन दिया ही नहीं, इस पर देना चाहिए था, क्योंकि स्टैंड ही क्लियर नहीं है, स्टैंड क्लियर नहीं है। तुम मॉड्यूल खोल के देखो, आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। इस पे स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए था, और जिस चीज पे स्टैंड क्लियर नहीं है ना वो देते ना वो पूछते, समझ में आई बात। बट यू शुड बी रेडी कि आया तो कैसे करना है, समझ में आई बात। चलो बोलो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 57,446, ये आ रहा है 6,750, ये आ रहा है 3,000, ये आ रहा है 1,500। अब हमारा पीजीबीपी के ऊपर कितना परसेंट आएगा बेटा, 25%। 98,39,524 इंटू 25%, 24,59,881। बताओ टोटल सरचार्ज कितना हो रहा है, 25,28,577। ये क्या बना आपका टोटल सरचार्ज। तो आपका टोटल टैक्स प्लस टोटल सरचार्ज रेडी है। क्या मैं आपका टोटल टैक्स निकाल सकता हूं विथ सरचार्ज? 1,28,26,077। अब भी कुछ बाकी है क्या तेरे मेरे बीच में? HEC एट द रेट ऑफ 4%। $5,130,43। फाइनल आंसर इज 1,33,39,120। सर फेस टू फेस लेक्चर अटेंड कर सकते क्या? बिंदास बेटा, पहले ही बोल चुका है, जिसको आना है आके बैठो। ऐसा नो सर, हम टोटल कैपिटल गेन पे 15% लगा सकते क्या? लगाओ ना बेटा, एक ही बात है। मैंने तो जानबूझ के अलग अलग दिखाया, आप सब कुछ मिला के भी एक लगाते तो सेम ही बात होती, डिफरेंट नहीं आता आंसर। पॉइंट समझ में आया सभी को क्या कर रहे हैं हमने? फिर से एक बार समझा रहा हूँ, प्लीज सुनना। देखो इस प्रॉब्लम में सिचुएशन क्या थी? इस प्रॉब्लम में सिचुएशन ये थी कि डिविडेंड इनकम भी था, राइट? जनरली प्रैक्टिकली अनलेस एंड अनटिल आपका नेटवर्थ बहुत बड़ा हो, इतना डिविडेंड आपको आ नहीं सकता। अनलेस एंड अनटिल आपका नेटवर्थ बहुत बड़ा हो, एडीजेड जितना नेटवर्थ हो, यू नो, तब तक के इतने डिविडेंड आते नहीं, बराबर? अब इस प्रॉब्लम में सिचुएशन ये थी कि जो डिविडेंड इनकम है उस पर सरचार्ज 15% था, पर टैक्स रेट जो था वो नॉर्मल स्लैब रेट था। इसलिए हमने क्या किया, पहले सबसे पहले स्पेशल इनकम को स्पेशल टैक्स के हिसाब से निकाला। देखो अपने बुक में स्पेशल इनकम को हमने स्पेशल रेट से निकाला। फिर हमने नॉर्मल इनकम पे जैसे टैक्स निकालता है, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, टैक्स निकाला। जब हमने टैक्स निकाला तो हमने बोला कि भैया डिविडेंड प्रोपोर्शन का टैक्स इसमें कितना है और पीजीबीपी प्रोपोर्शन का टैक्स कितना है, हमें ये अलग करना पड़ा इसका। अब देखो टैक्स हमने कॉमनली निकाला, पर नीचे लिखते वक्त अलग अलग लिखा। क्यों अलग अलग लिखा भाई? सरचार्ज अलग अलग है। फिर नीचे आए, डिविडेंड पे सरचार्ज अलग किया 15% इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, और सिर्फ पीजीबीपी पे सरचार्ज रेट अलग किया। एंड दैट्स हाउ योर टोटल टैक्स इज कैलकुलेटेड। समझा आप कैसे? जितने लोग ऑनलाइन देख रहे थे और ये सवाल मेरे से पूछ रहे थे, पक्का समझ में आया सभी को? एवरीबॉडी? हाँ, ये वो डिविडेंड कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। ये आपके क्वेश्चनेयर में भी मैंने इस पे क्वेश्चन रखे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, फर्म कंपनी एओपी बीओआई सब मिला के बेसिक एग्जाम्शन तो मिलता नहीं, एक क्वेश्चन उस पर भी सॉल्व कर दे क्या? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, विजय लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1990s, turnover of company was 390 crore in previous year 21-22. Turnover of company in previous year 23-24 is 690 crore with a profit of 80 crore. Assuming company is opting old tax regime, कैलकुलेट टैक्स। ट्राई करना चाहोगे? और बहुतों को तो समझ भी गया होगा क्या हुआ। बेटा अगर आप आज आए होंगे और ये पूछ रहे होंगे कैपिटल गेन और डिविडेंड पे सरचार्ज कितना, ये एक्सप्लेन करो, तो आप प्लीज पिछला लेक्चर देखो, वहां पे हमारा पूरा सरचार्ज का टेबल देखना, वहां पे एक्सप्लेन्ड है। ट्राई करो, गलत होगा चलेगा। ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। बोलो क्या करें? करूं क्या सॉल्व? टोटल इनकम कितनी है बोलो? 80 करोड़ बराबर ना? सीधा टैक्स रेट अप्लाई करूं, कितना परसेंट अप्लाई करूं? 25%। डू यू एग्री? टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? 20 करोड़। सरचार्ज आएगा क्या? एट द रेट ऑफ, डू यू एग्री? इज इट 2.40 करोड़? टोटल टैक्स विल बिकेम 22.40 करोड़। विल देयर बी HEC एट द रेट ऑफ 4%? इज इट 8 करोड़ 96 लाख? नहीं भाई, 89,60,000 कुछ भी। टोटल इज 23.296 करोड़ एवरीबॉडी। चलो, तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गए। अब हम आ गए हैं लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर एनीबॉडी मार्जिनल रिलीफ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बाकी सारे कंसेप्ट, डिविडेंड के साथ वाला, मिक्सचर वाला, एवरीथिंग इज डन। सिर्फ अब एक कंसेप्ट बाकी है, वो है मार्जिनल रिलीफ। आओ जरा देखते हैं। नाउ अच्छा, एक और चीज बाकी है, ध्यान से सुनना। रुको, रजिस्टर में एक और चीज लिखो इसके नीचे। टैक्स रेट फॉर AOP BOI। जनरली द रेट ऑफ इंडिविजुअल इज एप्लीकेबल। यहाँ पे लिख के रखो, एक्सेप्ट फ्यू सिचुएशन, जो आपको फाइनल में समझेगी, आपके सिलेबस में अभी है नहीं। तो जनरली AOP BOI का जो टैक्स रेट है वो वही होता है जो इंडिविजुअल के लिए होता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, इन पे सेपरेट रेट्स है। ये आपको तब समझेंगे जब आप CA फाइनल में रहेंगे, CMA फाइनल में रहेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब सरचार्ज रेट क्या होंगे? सरचार्ज रेट इसके अंदर में क्या आया था? अमेंडमेंट आया था। ध्यान से सुनना, ये जो अमेंडमेंट था ये फाइनेंस एक्ट 2022 का था। ये जो अमेंडमेंट था ये फाइनेंस एक्ट 2022 का था, मतलब पिछले साल का था। जनरली generally the charge rate क्या था? same as that of individual. AOP BOI का सरचार्ज रेट भी जो था वो वही था जो इंडिविजुअल का था, तो टैक्स रेट भी वही था, सरचार्ज रेट भी क्या था? वही था, एक्सेप्ट इन वन सिचुएशन. पिछले साल एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट समझिए. पहले मेरे को AOP का फॉर्मेशन समझाओ. AOP और BOI में मेजर डिफरेंस क्या है? AOP BOI मेजर डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सही. AOP कंसिस्ट ऑफ पर्सन और पर्संस. मतलब मान लीजिए आप इसे जॉइंट वेंचर समझिए. विजय के पास एक लैंड थी, कुमार बिल्डर्स आए, मैंने मेरी लैंड दी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, मुझे बदले में 4 शॉप और 2 घर दे दिए. इट्स अ परफेक्ट जॉइंट वेंचर. विजय इज अ इंडिविजुअल, कुमार इज अ कंपनी, दोनों मिलके क्या बने? AOP, पर्सन और पर्संस. समझ में आई बात? जबकि सिर्फ इंडिविजुअल्स अगर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उसे कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. जैसे मोस्ट ऑफ द ट्रस्ट जो होते हैं वो BOI होते हैं, क्योंकि उसके जितने मेंबर्स होते हैं ये सब कौन होते हैं? इंडिविजुअल. ये सब कौन होते हैं बेटा? इंडिविजुअल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट. तो अब ऐसा AOP, ध्यान से सुनना, ऐसा AOP हुज मेंबर इज ओनली कंपनी. ऐसा AOP जिसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? कंपनी. ऐसा AOP जिसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? कंपनी. ऐसा AOP जिसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? कंपनी. इफ द इनकम एक्सीड्स 50 लाख 10%. If the income exceeds 1 crore 15%. कोई समझा सकता है क्या लिखा? बहुत इजी शब्दों में लिखा है. सरचार्ज रेट जनरली वही है जो इंडिविजुअल का होता है. अब इंडिविजुअल के 4 सरचार्ज रेट बोलो बेटा. 10%, 15%, 25%, 37%. याद आ रहा है? पर अगर कोई AOP है जिसमें सिर्फ कंपनी ही मेंबर है, मतलब मान के चलिए अडानी और अंबानी ने मिल करके कोई जेवी में प्रोजेक्ट उठाया, जेवी में आए, दोनों पर्संस कवर हो गए, पर क्योंकि इसमें पर्सन और पर्संस है, जेवी बना है, अब इन्हें कैसे असेस किया जाएगा? AOP बोल के असेस किया जाएगा. नाउ इट इज एन AOP विच कंसिस्ट ओनली ऑफ कंपनीज. अब मेरी बात सब सोच करके बताना, कंपनीज पे मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना था? 7 या 12, बराबर है? अगर उनको वही सरचार्ज रेट लगा देते इंडिविजुअल वाला, दैट इज 25 और 37, क्या ये जेन्युइन हार्डशिप नहीं होती है ऐसी AOP जिसमें सिर्फ कंपनी है? कोई कंपनी कभी ज्वाइंट वेंचर करती नहीं. कंपनी बोलती पागल है क्या, हमारे को सरचार्ज 12% मिल रहा, उल्टा जेवी में आए तो 25 में चले जाएंगे. तो समझ रहे, कंपनीज ने मिलकर के जेवी बनाना ही बंद कर दिया. बोले हम नहीं बनाएंगे जेवी. जेवी बनाए, अच्छा बड़े बड़े ग्रुप जो होते थे ये आते थे मिलके साथ में कॉन्ट्रैक्ट पूरे करते थे, साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट पूरे करते थे. अब इन्होंने आने ही बंद कर दिया, बोले हम जेवी नहीं बनाएंगे. जेवी बनाया तो उल्टा हमारे लिए नॉन बेनिफिशियल हो रहा है. फाइनेंस मिनिस्टर पूछे क्यों क्यों नॉन बेनिफिशियल हो रहा है? अरे मैडम आपकी वजह से. इंडिविजुअल कंपनी अगर रहे, इनकम 10 करोड़ के ऊपर गई, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना था? 12%. अब जेवी में आ रहे तो हमको आप AOP ट्रीट करोगे रादर देन अ सिंगल कंपनी. हेलो, अब हमको आप जेवी में AOP ट्रीट करोगे. AOP ट्रीट हुआ तो मेरा सरचार्ज कितना पहुंच जा रहा? 25%, 37%. AOP बना के लॉजिक क्या है? हम नहीं बना रहे AOP. तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि यार लॉ बनाते वक्त बेसिक मिस्टेक हो गई. लॉ बना, अच्छा किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा. कई बार जो लॉ इस तरह से बन जाता है वो अनइंटेंशनल हो जाता है. आप बात समझ रहे हैं क्या? ये अनइंटेंशनल मिस्टेक था, लॉ मेकर ने सोच के नहीं बनाया था. पर बाद में जब कंपनी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करने गई तब उनको समझ में आया कि लॉ के अंदर में ऐसा मिस्टेक है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. अब बताओ लॉ का सूटेबली अमेंड होना बनता है या नहीं बनता? बनता है. उन्होंने क्या कहा? मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15. जो 12 दे रहा है दैट्स ओके, वो 15 दे देगा. तुम उसको 25 या 37 देने बोलोगे ना, वो नहीं देगा. समझ में आई बात? तब जाके लॉ बना, इफ द AOP consists only of company, the maximum rate of surcharge will not exceed 50. समझ में? अब इनकम ऐसे AOP की इनकम जिसके मेंबर सिर्फ कंपनी है, अगर वो 5 करोड़ भी चल जाए मैक्सिमम सरचार्ज कितना कलेक्ट कराया जाएगा? 50. अमेंडमेंट विथ लॉजिक, समझ में आया सभी को? पक्का? चलो अब एक बार मेरे साथ जितना हुआ उतना पूरा रिवाइज करोगे क्या? ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, धीरे। हमारे को कोई जल्दी है क्या? किसी को एक हाथ लेक्चर फास्ट ट्रैक में एक्स्ट्रा ले लूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो सुनो, हाँ स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल, अच्छा जिसको याद नहीं आ रहा बुक पलट लेना, देखते रहना। अगर याद नहीं आता होगा तुमको तो पलटना, आंखों में बैठा लो थोड़ा सा। और अब तक हम ओल्ड स्कीम में ही हैं, अभी 3 दिन और लगेंगे पूरा चैप्टर खत्म करने को। 3 दिन और लगेंगे पूरा चैप्टर खत्म करने को, मान के चलो तुम, इतना सब कुछ है। हाँ, सबसे पहले आए हमने ओल्ड टैक्स स्कीम लिया। ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर में तीनों एसएससी के हिसाब से हमने स्लैब रेट देखा, बराबर है? तीनों एसएससी के हिसाब से हमने क्या देखा? स्लैब रेट देखा, बराबर। स्लैब रेट के बाद हमने उसमें 7 एडजस्टमेंट करी। हर टैक्स कंप्यूट करते वक्त 7 एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट था HEC, दूसरा एडजस्टमेंट था राउंड ऑफ, तीसरा एडजस्टमेंट था रिबेट, चौथा एडजस्टमेंट था स्पेशल रेट, पांचवा एडजस्टमेंट था स्पेशल एडजस्टमेंट, छठवा एडजस्टमेंट था सरचार्ज। यस और नो? ये 6 एडजस्टमेंट करी हम लोगों ने। ये हमने कल तक के लेक्चर में कर दिया था, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 आया, आज हमने वैरायटी कवर करी। सबसे पहले आती हमने टैक्स रेट फॉर अदर्स देखा। टैक्स रेट फॉर अदर्स क्या था? सबसे पहले देखा फर्म के लिए, बुक के ऊपर नजर 100%। सबसे पहले देखा किसके लिए? फर्म के लिए, LLP के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए, बराबर है? 30% प्लस 4%, 1 करोड़ के ऊपर जा रहे होंगे तो 30% प्लस 12% प्लस 4%। इनके लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम नहीं है, ठीक? यहाँ से हम कंपनी में कूदे। देखो मैं अभी तक का लेक्चर सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ से हम कंपनी में कूदे। फॉरेन कंपनी में कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक कंपनी में सिर्फ ईयर का चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। विथ लॉजिक मैंने समझाया ईयर का चेंज क्यों आता है, ठीक है? 25%, 30% सरचार्ज 7 या 12, इधर 7 या 12 एज द केस में भी, इनकम एक्सीड 1 करोड़ 10 करोड़, यहाँ तक के ठीक है। कंपनी के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आता है 115 BAA, 115 BAB, बराबर है? BAC नहीं, BAA BAB, ठीक? यहाँ से हम कोऑपरेटिव के लिए एंटर किए। कोऑपरेटिव के लिए टैक्स रेट था पहले 10,000 पे 10%, दूसरे 10,000 पे 20%, बैलेंस पे 30%। इनका सरचार्ज रेट डोमेस्टिक कंपनी जैसा कर दिया गया है, शॉर्ट में समझना है तो। मतलब 1 करोड़ से ऊपर गए 7%, 10 करोड़ से ऊपर गए 12%, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, बराबर है? नेक्स्ट हम लोगों ने डिविडेंड के साथ जब इनकम मिल जाती है तो क्या इंपैक्ट आता है, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। भैया डिविडेंड के साथ आता है तो क्या इंपैक्ट आता है, सारी चीजों को समझते हुए। क्योंकि जब तक कि हम अदर के टैक्स रेट नहीं समझते थे और ये भी नहीं समझते थे कि उनके लिए भी इशू यही रहने वाला, क्योंकि उनकी स्पेशल इनकम भी स्पेशल रेट पे टैक्स है, तब तक कि उस तरीके की प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसीलिए पहले अदर के टैक्स रेट पढ़े और समझाया उनके लिए भी स्पेशल रेट पे, और फिर ये तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर हम आगे आए, हमने देखा एओपी बीओआई के केस में भी एक चेंज था जो पिछले साल ही आ गया था, पर अब तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा। AOP BOI का जनरली टैक्स रेट वो होता है जो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट इन फ्यू सिचुएशन, जो हम फाइनल में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल में इतना ही समझना है। फिर सरचार्ज रेट क्या होता है? जनरली AOP BOI का सरचार्ज रेट भी वही होता है जो इंडिविजुअल का होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा AOP है, अगर कोई ऐसा AOP है जिसमें सिर्फ कंपनीज ही है, तो कंपनीज जेवी बनाना ही बंद कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल रहते तो सरचार्ज 12% मैक्स होता, ये AOP बन करके सरचार्ज 27-37 पहुंच रहा था, 25 और 37 पहुंच रहा था। तब उनको समझ में आया, लॉ को सूटेबली अमेंड किया गया, बोला मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15, जो 12 दे रहे हो 15 दे देंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो 25 और 37 नहीं देंगे, इसलिए ये अमेंडमेंट आया। यहाँ तक के सभी को पॉइंट क्लियर है? यस, चलो जी मालिक। हाँ, अब बढ़ते हैं मार्जिनल रिलीफ की ओर। कौन सा रिलीफ बेटा? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। मार्जिनल रिलीफ हर एसएससी के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। ये एक एमसीक्यू है जो बहुत बार पूछा जाता है, इज मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल? नो, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, सबके ऊपर कॉमनली एप्लीकेबल है, ठीक है? अच्छा, मार्जिनल रिलीफ देते क्यों हैं? टू रिमूव सरचार्ज इफेक्ट ड्यू टू विच additional tax payable exceeds income additionally earned. लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अब जब तक कि आपसे ना कहूँ ना लिखना, ठीक है, जब तक ना कहूँ ना लिखना. अज्यूम कर लेते हैं मेरी टोटल इनकम है 50 लाख. अज्यूम कर लेते हैं मेरी टोटल इनकम है 51 लाख. क्या कोई मुझे बता सकता है मैंने एडिशनली कितना अर्न किया? 1 लाख. ठीक है, सिर्फ देखते जाओ, लिखना मत जब तक कि मैं ना बोलूँ. अगर मुझे इसके ऊपर टैक्स निकालना है, अगर मुझे इसके ऊपर टैक्स निकालना है तो अप टू 10 लाख, यह आएगा 1,12,500. हाँ या ना? ठीक है, बैलेंस बचेगा 40 लाख. 40 लाख पे टैक्स रेट बनेगा 30%, यह आएगा 12 लाख. बराबर टोटल बना 13,12,500 यहाँ तक के. ठीक है, ठीक है. अभी मैंने इसमें कोई सरचार्ज इफेक्ट नहीं दिया, कोई रिबेट इफेक्ट नहीं दिया, कोई सेस इफेक्ट नहीं दिया. टैक्स प्योरली टैक्स कितना रहा है? 13,12,500. ठीक है, यह आया टैक्स. चलो, क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं जा रही, सरचार्ज आने वाला नहीं है, पर HEC जरूर आएगा. 13,12,500 इंटू 4%, दैट्स 124,860. नहीं, कुछ तो गलत आया. 13,12,500 इंटू 4%, 52,500. बराबर 52,500 टोटल आया 13,65,000. तो इफ विजय's इनकम इज 50 लाख, द टैक्स शुड कम टू 13,65,000. बराबर है ना? 13,65,000. अब सुनना, द मोमेंट विजय's इनकम बिकेम 51 लाख, जस्ट 1 लाख डिफरेंस, जस्ट 1 लाख डिफरेंस, क्या होगा? अप टू 10 लाख रुपीज, 1,12,500. बैलेंस 41 लाख. 41 लाख पे 30%, 12 लाख, 30,000. टोटल 13,42,500. Will there be surcharge at the rate of 10%? 134,250. 14,76,750. Add HEC at the rate of 4%. 59070. 15,820. बराबर. बताइए, आप टैक्स पेयर हैं, क्या करेंगे? आप ही हो वो टैक्स पेयर जिसने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया है. पकड़ के लाठी से मारोगे टैक्स बनाने वाले को. पूछो क्यों? वो आप हो जिसने 50 लाख कमाया था. वो आप हो जो प्रोफेशनल बनने के बाद बॉस के पास गए थे, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, पैसा बढ़ाओ मेरा, इट्स ओके. 1 लाख का इंक्रीमेंट आपको तुरंत मिलेगा, थैंक यू. चले तो गए. जब टैक्स का भरने की बारी आई, मेरे को घर जाना है. काय को बढ़ा है 1 लाख? काय को बढ़ा है 1 लाख? साले टकले, काय को बढ़ा है? क्योंकि ये 1 लाख बढ़ाने से हुआ क्या? आपका टैक्स लगभग 170 अप्रोक्सीमेटली से बढ़ गया. कमाया कितना? 1 लाख. देना कितना पड़ रहा है? 1,70,000. वो होता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप बहुत फायदे में हो, बाद में पता चलता मैं तो बहुत धोखे में था. समझ में आ रहा है? मतलब आपने कमाया कितना? 1 लाख. देना कितना है? 1,70,000 अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं. आदमी बोलेगा मैं बेवकूफ हूं क्या? इससे अच्छा तो 1 लाख ना कमाता, वो सेंसिबल था, है ना? अब आप बताओ, अगर आप ही खुद ही प्रोफेशनल हो, तुम ये इनकम 50 लाख दिखाओगे या 50 से भी नीचे दिखाना चाहोगे, और अब तुम सैलरीड एम्प्लॉयड हो, दिखा पाओगे नहीं। टीडीएस देने वाला जब भी देगा वैसे ही तुम्हारा काट लेगा तो तुम्हारा तो टीडीएस कट गया। इनकम कम कैसा शो करते, कैसा शो करते इनकम कम। अब वो आदमी जीवन भर अपने आप को कोसेगा, मैं इंक्रीमेंट मांगने गया ही क्यों, समझना है, जीवन भर कोसेगा। मैं साला इंक्रीमेंट नहीं मांगता तो अच्छा होता। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 लाख additional income, your additional tax payable exceed the 1 lakh earned। वापस पढ़ो, marginal relief दिया क्यों जाता है? To remove surcharge effect, due to which additional tax payable exceeds the income additionally earned। प्रॉब्लम यह है कि आपने additional कितना कमाया 1 लाख, और आपको जो टैक्स इफेक्ट आ रहा है वो 1 लाख से ऊपर का आ रहा है। आप क्या बोलते थे सरकार को, अगर आप मान लो टैक्स पेयर एओ आके बोलती थी नो विजय, यू हैव टू गिव दैट 170 एक्स्ट्रा। मैं क्या बोलता था, मेरी बात सुन बहन, प्रॉब्लम ये है, पहले तो मेरे को खुद पे बुरा लग रहा है कि मैंने 1 लाख कमाया है क्यों, अब दूसरा बुरा ये लग रहा है मैंने कमाया कितना 1 लाख, तुम टैक्स कितना मांग रहे हो 170। एक रैशनल टैक्स पेयर के हिसाब से सोचना, इसको स्किड के हिसाब से मत सोचो कि मैं स्किड करके दिखा रहा हूं, इसको एक रैशनल टैक्स पेयर के हिसाब से सोचो। तुम हो तो क्या, ये कौन सा टैक्स सिस्टम है? मैक्सिमम टैक्स रेट इस धरती पे 30% है, तुम जो मांग रहे हो वो 170% है। कमाया 1, उस पर टैक्स आ रहा है 170, मैक्सिमम 1 का 30 30,000 होना चाहिए था, तुम मेरे से मांग रहे 170, 170% का टैक्स है। ये कौन सा देश का कानून हुआ? काहीतरी कळतं का तुला, डोक्यावर पडली आहे का? अरे पर नहीं, that's the law। ओ भाई, लॉ 11 वाजता डीके। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझ में आया? एक टैक्स पेयर गाली देगा अंदर से। अब 99 क्या 100% यही होगा कि वो अपनी इनकम 50 से कम करना चाहे। बिजनेसमैन रहता तो फेक खर्चे डाल के कर भी देते, सैलरीड वालों का क्या करोगे? समझ में आया? बिजनेसमैन रहता तो कहीं ना कहीं वो नहीं होता, बचपन में आपको बताया जाता था सस्पेंस, बड़े होके पता चलता है क्लोजिंग स्टॉक तो वहां कुछ एडजस्ट करने का पॉसिबिलिटी है। सर्विसमैन्स वालों के केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते, पहले टीडीएस हो गया। अब ऐसे केस में मार्जिनल रिलीफ लाया। अब मार्जिनल रिलीफ क्या बोलता है जरा समझना, ठीक है? जब तक इनकम है ना छोटे लेवल पर रहेगी, टेक्निकली ये रिलीफ नहीं है, टेक्निकली ये रिलीफ नहीं है। जब इनकम बढ़ते जाती है ना तो ये रिलीफ है। अब सुनना कुछ बातें, मार्जिनल रिलीफ क्या बोलेगा? मार्जिनल रिलीफ बोलता है आपका जो टैक्स पेबल है वो कैसे निकलेगा। लिखना कुछ भी मत, टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू, वो बोलता है टैक्स अप टू 50 लाख निकालो। टैक्स कितने तक के निकालो? टैक्स अप टू 50 लाख। ऐड कर दो टोटल इनकम माइनस 50 लाख। आपका टैक्स पेबल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 50 लाख तक के टैक्स निकालो, जब तक सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है। अब सरचार्ज कब तक के एप्लीकेबल नहीं है? 50 लाख तक के। मतलब आपका टैक्स निकला 13,12,500। टैक्स अप टू 50 लाख, मैं HEC की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने क्या निकालने बोला? टैक्स निकालो अप टू 50 लाख, और जितना तुमने एडिशनल कमाया वो पूरा जोड़ दो। आप बहुत मान लो, वो ये मान ही नहीं रही, नहीं यू हैव टू, तेरे को लगता है ना तू ये 1 जो कमाया वो लेके चल जा, 1 से ऊपर पे करने मत बोल मेरे को, ये 1 तू रख ले, जा तू रख ले, पर मैं 1 से ऊपर तो नहीं दे सकता इन एनी केस, हाँ या ना? एडिशनल कमाए कितना? 1, देखो चाहिए तू पूरा 1 लेके जा, बराबर है कि नहीं? तू पूरा 1 रख, बट मेरे को इससे ऊपर पे करने मत बोल। अब लॉ देखो कैसा बना है, टोटल टैक्स निकालो वहाँ तक का जहाँ एडिशनल सरचार्ज इफेक्ट नहीं आ रहा, और इसमें तुमने जितना एडिशनल कमाया वो पूरा जोड़ दो। कितना एडिशनल कमाया? 1 लाख, यानी आपका कितना हो जाएगा? 14,12,500। इसमें ऐड कर देना HEC एट द रेट ऑफ 4%। ये आएगा आपका टैक्स पेएबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। समझ में आया? ये आएगा आपका टैक्स पेएबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। ये क्या आएगा बेटा आपका? टैक्स पेएबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। तो वापस से आपने क्या किया, चलो कम ऑन वंस अगेन, हम मार्जिनल रिलीफ निकाली क्यों रहे? मार्जिनल रिलीफ सिर्फ उन जगह पे एप्लीकेबल है जहां पे आपकी इनकम स्लाइटली ऊपर जाती है सरचार्ज लिमिट से। तो मार्जिनल रिलीफ कहां आएगा? जब इनकम 50 लाख से स्लाइटली ऊपर गई, 1 करोड़ से स्लाइटली ऊपर गई, 2 करोड़ से स्लाइटली ऊपर गई, 5 करोड़ से स्लाइटली ऊपर गई। यही वो केस हो सकते हैं जहां मार्जिनल रिलीफ अट्रैक्ट कर सकता है, जहां आपकी एडिशनल इनकम अर्न, एडिशनल टैक्स पेएबल ज्यादा आ जाए इनकम अर्न से, यही वो जगह है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलते टैक्स निकालो अप टू 50 लाख प्लस ऐड कर दो डिफरेंस। सर पर यहाँ पे भी तो टैक्स पेयर के साथ गलती हो रहा है ना, जितना कमाया वो तो पूरा देना ही पड़ रहा है उसको। ये करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे भारत में जो इस सिचुएशन में फंस रहे होंगे, उनके लिए पूरे लॉ को तो ट्वीक नहीं किया जा सकता, कुछ लोगों की बलि देनी पड़ेगी तो पड़ेगी। ये वो है जिनको हम बोलेंगे डैमेजेस, एबनॉर्मल लॉस। अब है तो है, अब उसमें क्या करोगे तुम, पर फिर एकदम परफेक्ट नहीं बन सकता ना जिस तरीके से चीज़ें। सपोज आपकी इनकम हुई 1 करोड़ 1 लाख, इमेजिन करना, हाँ 1 करोड़ 1 लाख। अब बोलो क्या करना पड़ेगा, ये भी वही सिचुएशन आ गई। अब क्या करोगे तुम निकालोगे टैक्स अप टू 1 करोड़ अलोंग विथ सरचार्ज ऑफ 10%। हायर सरचार्ज का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, 50 से 1 करोड़ का सरचार्ज है ही, ये तो टैक्स का पार्ट है, प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। समझ में आई बात? तो आपका टैक्स निकलेगा ये 2 करोड़ 2 लाख पे। बोलो टैक्स अप टू 2 करोड़ अलोंग विथ सरचार्ज ऑफ 15%। जनरली 2 करोड़ के ऊपर जाता है तो कितना होता है? 25%। लेकिन आप एडिशनल सरचार्ज का इफेक्ट देखो हटा रहे हो यहाँ से, आप सरचार्ज सिर्फ कितने तक का ले रहे हो? 2 करोड़, 15% ले रहे हो। आप सरचार्ज कितने तक का ले रहे हो? सिर्फ 2 करोड़। ये सुनो, एक बच्चा है वो कह रहा है सर फिर भी हम 104% तो पे कर ही रहे हैं। अरे मैम ने भी वही बोला कि छोटे लेवल पे आपको रिलीफ नाम का है, ये रिलीफ नहीं मिलेगा। जब आप इनकम बड़े लेवल पे जाओगे तो ही एक्चुअली आपको रिलीफ मिलने वाला है, नहीं तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर कंसेप्ट तो है। समझ में आया? चलो ये 2 पॉइंट लिखा आपने। चलो अभी एक काम करो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, एक के जगह 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, टोटल इनकम एंड टैक्स विथ मार्जिनल रिलीफ। टोटल इनकम एंड टैक्स विथ मार्जिनल रिलीफ। एवरीबडी डन? चलो जी, तो आपके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम दे देता हूं। निकालो आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑफ टोटल इनकम ₹1 करोड़ 2 लाख। सीधा निकालना टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, अब एक बात समझना, मार्जिनल रिलीफ एग्जैक्टली किस अमाउंट के बाद नहीं मिलेगा, ये मन में 50 बार क्वेश्चन आएगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, ये ट्रायल एंड एरर से हर बार देखना पड़ेगा कि आपका जो टैक्स पेएबल है ये इनकम अर्न के ऊपर ना हो। यस, ये आपको ट्रायल एंड एरर से देखने को मिलेगा। इसका कोई लिमिट लिखा हुआ नहीं कि बस यहाँ तक की इनकम रहेगी तो ही मार्जिनल रिलीफ है, नहीं तो नहीं है। वो बहुत ट्रायल एंड एरर से हर सिचुएशन में देखना पड़ेगा। और ऐसी 4 सिचुएशन बनेगी, कितना करते बैठोगे? जनरली आपका टैक्स पेबल कितना आता था? क्या ये आता था 28,72,500 जनरली? हाँ, फिर आपका सरचार्ज, क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज कितना लगता था? 15%, 430,875 जनरली। बाद में रिलीफ भी निकाल देंगे, 33,03,375 ये बनता था आपका टोटल। इसमें आपने ऐड किया HEC एट द रेट ऑफ 4%, ई 435510 ये आपका टैक्स निकलता था विदाउट मार्जिनल रिलीफ। टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। बोलो बेटा, फॉर्मूला क्या बनता था? टैक्स अप टू ₹1 करोड़ अलोंग विथ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% प्लस टोटल इनकम माइनस ₹1 करोड़। बोलो What is tax up to 1 crore? ₹28,12,500 add 2 lakh. हाँ, सच्चा ऐड नहीं किया बेटा। 28,12,500 एट सरचार्ज ऑफ 10%, टोटल बन रहा है आपका 30,93,750। इधर क्या ऐड कर देंगे? 2 lakhs। आपका टोटल टैक्स आ गया 32,93,750। इसमें क्या ऐड करेंगे? HEC एट द रेट ऑफ 4%। आपका टैक्स आया 34,25,000। HEC गलत है क्या? 32,93,750 इंटू 4%, 13,1750 बराबर है, बराबर है ना? टेल मी, आप देख रहे हो पहले कितना लगता था और अब कितना लग रहा है? लगभग 2 अगर आप देखोगे विदाउट सरचार्ज इम्पैक्ट, विदाउट HEC इम्पैक्ट, देखो विदाउट HEC इम्पैक्ट इज इट 9,625 मार्जिनल रिलीफ विदाउट HEC। HEC जोड़ लोगे तो वो 10,000 समथिंग का कुछ रिलीफ आता है, 10,010 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? सर अगर मैं आपकी क्लास लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आएगा बेटा, 2 प्रॉब्लम आएंगे। हम लोग शायद फास्ट ट्रैक फ्री दे दें आपको और मैराथन भी फ्री दे दें। हम इसका पैसा नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें पैसा क्यों नहीं ले रहा? नहीं, फ्री है तो टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हिम्मत है क्या एक प्रॉब्लम और सॉल्व करने की? बोलो हाँ, जहाँ या ना। ठीक है, चलो एक काम करो, 2 करोड़ 2 लाख मेरे को सीधा फाइनल आंसर बताना, टैक्स पेएबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ वाला, या तुम सीधा टैक्स पेएबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ निकालो, मेरे लिए उतना भी काफ़ी है। कोई सी फॉर्मूला बोलो नहीं, जब तक के लिखता हूँ मैं। टैक्स अप टू 2 करोड़ अलॉन्ग विद द सरचार्ज ऑफ 15% प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। ऑनलाइन कृष्णा, मुकुल, हिलर, तनिष्क, तयान, मोहम्मद, पीयूष, राहुल एंड दिया, इनके जवाब आ गए हैं 71, 59, 750। आप अपने स्पीड से सॉल्व करो, बाजू वाला तेल लगाने गया, आप अपने स्पीड से सॉल्व करो। एवरीबॉडी डन। ये आपका क्वेश्चनर का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका आंसर आपने एब्सोल्युटली करेक्ट निकाला। कोई चीज क्वेश्चनर में है, और इसके पहले जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो भी अगेन क्वेश्चनर का ही था। मैं तुमसे यही प्रैक्टिस करवा रहा था। समझ में आया? तो तुमको एग्जाम्पल के नाम पे मैं यहीं पे क्वेश्चनर भी करवा रहा हूँ। सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो मार्जिनल रिलीफ डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी एक प्रॉब्लम आपके लिए रखा है, इसको घर पे सॉल्व कर लेना। समझ में आया? हर एसएससी के लिए अगेन वो इजी है, कंसेप्ट वही लगेगा, टोटल इनकम अप टू दैट प्लस टोटल इनकम माइनस दिस। मजा आया क्या? तुम्हारा आंसर मैच कर गया मालिक। यहाँ आपका ओल्ड टैक्स स्कीम क्या होता है, खत्म। ऑनलाइन सबको जमा। सर लप्पू सा क्वेश्चन दिख रहा था, ये झिंगूर सा कंसेप्ट है क्या ये? जो भी है अभी समझ में आया सभी को क्या है? यस। अच्छा अब एक अच्छी बात बताऊं, यही दोनों क्वेश्चन आपके नए मॉड्यूल में भी है, यही 2 क्वेश्चन आपके नए मॉड्यूल में भी है। मतलब टेक्निकली आपको वापस वहाँ मेहनत नहीं करनी, इधर कर लिया तो उधर हो गया। ठीक है, चलो भाई साहब, यहाँ हमारा खत्म होता है ओल्ड टैक्स स्कीम। हमने टैक्स स्कीम किस किस के लिए पढ़ा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है बेटा, सबके लिए खत्म, सबका सरचार्ज रेट खत्म, सबके क्वेश्चन खत्म, मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट भी ओवर। यहाँ आपका ओल्ड टैक्स स्कीम पूरा का पूरा होता है खत्म। आज आपका मेरे साथ साथ होमवर्क, उस दिन भी देखा होगा आपने, मैंने टेलीग्राम पे आपको लिख के दिया था आपका टारगेट क्या है, आज भी लिख के दे दूंगा। राइट, जितने बच्चे आज पहले दिन आए हैं नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो एक फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज लो। अब मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन हैं न्यू टैक्स स्कीम के, इनको न्यू टैक्स स्कीम वर्ड यूज़ नहीं करते ये लोग, वर्ड यूज़ करते डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम। तो 99 नहीं 100% चांसेस है कि पेपर में भी आपको ये हैबिट लगानी होगी, डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम, डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम, डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम। समझ में आया? चैप्टर नंबर 1 आधा खत्म हो चुका है हमारा। ठीक, अब आते हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम। पहले समझते हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम की अगर मैं बात करूँ, इसके लिए पहले से एक सेक्शन एग्जिस्ट करता था 115 BAC। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट और आपके अटेम्प्ट में जो कंफर्म पूछा जा सकता है वो 115 BAC है। ठीक है, दूसरा था 115 BAA, 115 BAB। ये दोनों किसके लिए है सर? डोमेस्टिक कंपनी। अब इनके रास्ते यहाँ से थोड़े से अलग हो जाएंगे, बराबर है। इनके रास्ते यहाँ से थोड़े से क्या हो जाते हैं, अलग। 115 BAA आपसे बात करता है एनी डोमेस्टिक कंपनी की, ये बात करता है डोमेस्टिक कंपनी इनटू मैन्युफैक्चरिंग की। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एकत्वम अकेडमी अगर एक कंपनी है, क्या आप बता सकते दोनों में से कौन सा सेक्शन यूज करेंगे? BAA। यही रिलायंस लिमिटेड को अगर यूज करना है तो वो क्या यूज करेंगे? BAB। समझ में आया, दोनों में ये डिफरेंस है। अब पिछले साल तक के ये एग्जिस्ट करते थे, पिछले साल कोऑपरेटिव्स के लिए एक नया निकाला 115। इफ यू आर डैड आई एम वेरी बैड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पिछले साल तक के, दैट इज नवंबर 23 दिसंबर 23 तक के ये एग्जिस्ट करता था। फाइनेंस एक्ट 2023 ने इंट्रोड्यूस किया इस नए सेक्शन को, अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग अमेंडमेंट समझ में आया। सबसे बड़े दो अमेंडमेंट आपको इधर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 115 BAC रेलेवेंट, 115 BAE रेलेवेंट, ठीक है। आप अगर लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहे हैं और बाद में कभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बोलूँगा वीडियो का स्पीड चुपचाप 1 पे लेके आ जाना, 1.5 से, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप शाम में लाइब्रेरी में देख रहे हो, घर पे देख रहे हो, वीडियो का स्पीड अब 1 पे लेके आ जाना और जिस स्पीड में पढ़ाऊँ उसी स्पीड में चुपचाप पढ़ना। एक भी पॉइंट मिस हुआ तुम्हारा अटेम्प्ट मिस होगा, क्योंकि 115 BAC में ही 6 अमेंडमेंट है। कितने? 6। टुडे स्टार्ट। पक्का पानी वानी पीना है तुमको, कुछ पी लो, पी लो आराम से। Then, बच्चा चलो, आई एम स्टार्टिंग अप विथ द नेक्स्ट सेक्शन 115 BAC। सेक्शन 115 BAC जब तक ना कहूं मत लिखना, सुनते रहना, मैं लिखने के लिए भरपूर टाइम दूंगा। असेसी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है, कौन इसको ऑप्ट कर सकता है। लास्ट ईयर तक के ओनली इंडिविजुअल एंड HUF who are resident can opt this section. Are you getting the point? अब क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कीम बन गया, AOPBOI के लिए भी वही एप्लीकेबल था जो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। AOPBOI AJP ये 3 वर्ड फाइनेंस एक्ट 23 से ऐड हुए, यानी हियर इन आफ्टर 115 BAC इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP who are resident oblique non-resident। Non-resident पे भी 115 BAC एप्लीकेबल है, non-resident पे भी 115 BAC एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। यस, तो पहला अमेंडमेंट समझ में आया कहाँ हुआ? पिछले साल तक के यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF लिखा था। पहला अमेंडमेंट ये हुआ, क्योंकि ऑल टैक्स रेट वहाँ पे भी इंडिविजुअल HUF को था और अब तो ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बन गया, तो इनके भी एडिशंस इसके अंदर में हो गए। ये था पहला अमेंडमेंट, ठीक। दूसरा अमेंडमेंट, इन असेसीज को क्या कहा गया? इन असेसीज को कहा गया कि हियर इन आफ्टर ये डिफॉल्ट स्कीम है, मतलब अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, यू विल ऑलवेज कैलकुलेट इट बाय अ डिफॉल्ट स्कीम, 115 BAC। क्लियर है? दूसरा, आपको अगर 115 BAC लेना है, मतलब सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन यू हैव टू लीव, सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन यू विल लीव, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू टेक 115 BAC। एंड हियर इन आफ्टर द न्यू टैक्स रेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, अगर आप कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन छोड़ देते हैं तो आपको नया टैक्स रेट देखने को मिलेगा। सर व्हाट इज द न्यू टैक्स रेट? इफ योर टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट, इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 3 लाख, फाइनेंस एक्ट 2023 पिछले साल तक के ये 2.5 लाख रुपए था, इस साल से इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया? 3 लाख, बराबर है। तो अप टू 3 लाख देर इज नो टैक्स। 3 लाख टू 6 लाख, एनीवन 5%, शॉर्टकट विल बी 15,000। कैन यू प्लीज टेल मी कैसे आया? टेक ऑन द कैलकुलेटर, 6 लाख में से 3 लाख हटा दो, बचे हुए पे 5% ऐड कर दो। शॉर्टकट समझ में आया सभी को? थर्ड कैटेगरी 6 लाख टू 9 लाख, ये कितना बना बेटा? 10%। अब कितना हो जाएगा? 30,000, क्योंकि टैक्स रेट ही सीधे सीधे डबल हो गए। यस, तीसरा कैटेगरी बना 9 लाख टू 12 लाख, 15%, 45,000, सीधा सीधा इंक्रीमेंट है। फिर 12 लाख टू 15 लाख स्ट्रेट अवे 20%, ये आ जाएगा बेटा 60,000। एंड अबव 15 लाख 9 स्लैब समझ में आया। और इसको पहले होता था, सुनो सुनो, लिखना नहीं है कुछ भी, 115 BAC 1 हुआ करता था। नया स्लैब रेट जो लाया वो 1A में लाया, समझ में आया। पुराना स्लैब जो था वो भी रखा है एक्ट में, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट हो रहा हो, आपके लिए ये एप्लीकेबल है, इसलिए सीधे ये लिखे, समझ में आई बात। तो पहला अमेंडमेंट कहाँ था? एसेसी की डेफिनेशन। दूसरा अमेंडमेंट क्या है? स्लैब चेंज कर दिया इन लोगों का भी। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अप टू फर्स्ट 3 लाख, रिवाइज विथ मी, अप टू फर्स्ट 3 लाख, बोलो बेटा नील। 3 लाख टू 6 लाख 5%, विथ एवरी इंक्रीज ऑफ 3 लाख the tax rate increased by 5%. It is only in the last slab they directly increased to 30%. Yes, 20 to 30, that is 10% increase. Yes or no? Yes. अच्छा, ध्यान से सुनना। Further, sir, what about special income? Anyone? What about special income? Long-term capital gain, short-term capital gain, etc. At special rate. Those income continue to be at special rate only. Those income continue to be at special rate only. अब आप पूछेंगे, सर इज HEC applicable? Obviously at the rate of 4%. Is HEC applicable? Yes, at the rate of 4%. यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A. Third amendment by Finance Act 2023. This is the third amendment. रिबेट के लिए कंडीशन क्या थी, प्लीज बताइए? Assessee should be individual. Assessee should be individual. Assessee should be resident. टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड, समझ में आया। तो फाइनेंस एक्ट 23 का जो अमेंडमेंट है वो यहाँ है। दिस इज द थर्ड अमेंडमेंट। Assessee must be individual, he must be resident. Total income को यहाँ पे 7 किया। अब आप सोच समझ करके बताइए, 2024 में क्या है? इलेक्शन के पहले वाला जो बजट होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रीम बजट। भर भर के बेनिफिट दिए जाते हैं, चेक कर लो, समझ में आया। मेनी टाइम टैक्स इज ऑल्सो कोरिलेटेड विथ पॉलिटिक्स। अब ये कॉमन सेंसिकल पॉइंट है। अच्छा, अब इसके पीछे वो रीजन देते हैं कि महंगाई बढ़ गई तो ये करना ही था, बराबर है। इस बार तो स्लैब भी बढ़ाया और रिबेट भी बढ़ाया, समझ में आई बात, स्लैब भी बढ़ाया और रिबेट भी बढ़ाया, विच इज ओके। तो अब रिबेट कितना मिलेगा, रिबेट इज इक्वल टू लोअर ऑफ ए 100% ऑफ टैक्स, बी 25,000, स्ट्रेट डबल्ड, समझ में आई बात, स्ट्रेट डबल्ड। तीन अमेंडमेंट सबको समझ में आया। सबसे पहले चलो वापस से मेरे साथ, पहला अमेंडमेंट क्या है, एसएससी। अब यहाँ पे एसएससी की डेफिनेशन में क्या आ गया, एओपी, बीओआई, एजेपी, हु मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, क्लियर है। दूसरा क्या 115 बीएसी 1A में क्या दिया है, टैक्स स्लैब रेट। टैक्स स्लैब रेट क्या है, आप 2-3 लाख नील, 3 to 6 5, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12 to 15 20 एंड अबाउट 15 30%, ये क्लियर है। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे ही जाएगी, जो हम पहले पढ़ के आए वही टेबल यहाँ कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट एचईसी कितना रहेगा 4%। नेक्स्ट चेंज जो आया है ये है रिबेट के अंदर में, अब रिबेट 5 की जगह 7। अच्छा तो ऐसा है क्या कि अब 5 नहीं रहा और 7 है, या ऐसा है, स्कीम बताओ तो बताएं, समझ में ही बात। ओल्ड स्कीम में आज भी कितना चल रहा है 5, न्यू स्कीम में कितना आ गया 7, लॉजिक समझ रहा है सभी को, यस। तो रिबेट कितना आ गया, वही लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 25,000, ये क्लियर है। पहले यहां तक लिखना चाहोगे कि आगे भी पढ़ा दो, आगे भी पढ़ा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट आओ, नहीं मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो रिबेट विथ मार्जिनल रिलीफ है, तो उसको समझने के लिए तुमको प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। पहले लिख लो फिर लेते हैं, आराम से जाते हैं थोड़ा सा, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो हम घर से आते हो। सर 25,000 क्यों आया, प्लीज एक्सप्लेन, वो एक्ट ने दिया है। देखो जितने भी बच्चे YouTube से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, पहली बार आप आए होंगे कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए, तो मैं ना थोड़ा धीरे से चढ़ता हूँ, मतलब ये है एक बार में नहीं, आराम से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बाय द एंड जब आप ये चैप्टर खत्म करेंगे ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं समझे, पर यू नो एक ही दिन में मेरे को सब समझना है, टैक्स में ऐसा नहीं हो सकता, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे 10 चैप्टर के बाद जाने के बाद समझ में आता है चैप्टर नंबर 1 में लिखा क्या था, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखें, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। पर जो आपको समझेगा ना, मैं आपको बोलता हूँ चैलेंज करके ना किसी के भी साथ भिड़ जाओगे, विथ लॉजिक तुम समझा पाओगे सामने वाले को कि ये क्यों हुआ और काय के लिए हुआ, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता। सर एओपी इज नॉन रेसिडेंट देन रिबेट मिलेगा क्या, बहुत बढ़िया बेटे, देख तो सर ही लिखा क्या है, एसएससी शुड बी इंडिविजुअल, रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलता है। सर 115 BAA BAB BAD BA ये भी हम सब पढ़ेंगे क्या? हाँ, और सर ये तो मॉड्यूल में नहीं था, नहीं मॉड्यूल में है सर, मतलब हमारी, हाँ वही तो अमेंडमेंट है ना। अच्छा आपको एक बात बताओ, मॉड्यूल से ना एग्रीकल्चर टॉपिक उड़ा दिया है, अब आपके बेसिक चैप्टर में एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, नया मॉड्यूल कभी जाके खोल के देखना, अपना ही है ना, क्या नहीं आया, पीडीएफ अवेलेबल है वेबसाइट पे, जिनको नहीं पता नए मॉड्यूल कहाँ से ढूंढने हैं, रुको मैं यहाँ पे भी मैं है ना, अरे पागल ले ले, मीच तुला सांगतो, एक मिनट, नहीं पहले वो बताना जरूरी है, सुनो मेरी बात, ये है आपका जनहित में जारी, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर दिख रहा है न्यू स्कीम ऑफ ईडीयू एंड ट्रेनिंग, ईडीयू का फुल फॉर्म एजुकेशन। ठीक, इधर नीचे जाना, नीचे जाके इधर स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में खैर छोड़ो, इंटरमीडिएट ओपन करना, इंटरमीडिएट ओपन करोगे तो इधर इनकम टैक्स दिखेगा। इनकम टैक्स में बेसिक कंसेप्ट में जाना। अब तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट ही 104 पेज का है, समझ में आया? अब तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट कितने पेज का है? 104। देखा है कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट? पहला ही चैप्टर 104। इतने में इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर होते थे फाउंडेशन में, 104 पेज। और इसमें सब इंक्लूड कर दिया, एग्रीकल्चर टॉपिक भी इसी में, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम भी इसी में। अब मैं तुमको डिफरेंस बताऊं किधर है। नवंबर दिसंबर 23 तक के तुमको कंपनी के ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम सिलेबस में नहीं थे, बराबर? तुमको वो सिलेबस में नहीं थे, अब तुमको सब सिलेबस में है। अब तुमको सब सिलेबस में है। नीचे जाओ, ये देखो, अभी ये वो पॉइंट है जो अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये वो पॉइंट है जो मैं तुमको अभी पढ़ा रहा हूँ। ये देखो, ये इधर अमेंडमेंट्स आए हुए हैं 115 BSE में। अब ये सब आते हैं, पर एक्सपेक्टेड था कि आप थोड़ा हाईलाइट कर दे, बच्चे को बता दे यहाँ अमेंडमेंट है ना। ये देखो, दोनों एक ही जगह लिख के रख दिया, क्या मालूम। ठीक है, सहन लो, सहन कर लो थोड़ा सा। अब अगर आप नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे बहुत, ये देखो, ये एग्रीकल्चर भी इसी में घुसाया है, याद है? ये 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर एग्रीकल्चर है या नहीं है, वो भी इसी चैप्टर में। अब तो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। प्रीवियस ईयर पढ़ाने से पहले एग्रीकल्चर डाल दिया। मॉड्यूल बनाने वाले कई जन्मों तक आपको याद रखा जाएगा, ठीक है। ये देखो, इसी में उन्होंने नए स्कीम डाले हैं, क्या क्या छोड़ना है वो डाला है, प्रॉब्लम डाल दिया। रुको, ये देखो, एक मिनट, सारी चीज़ बताता, देखते जाओ। मैं भी जब नया आया था ना, इसको लेकर के बैठ के सर पकड़ के बैठा था। ये दिख रहा है डोमेस्टिक कंपनी, उसके पीछे का पूरा हिसाब किताब बताया उन्होंने, कहाँ से आया क्या नहीं आया। फिर फॉरेन कंपनी आया, फॉरेन कंपनी से आगे बढ़ के देखोगे जब तुम, यहाँ पे आपको उनके टैक्स रेट दिए गए हैं, क्या यानी कि ओल्ड स्कीम BAA BAB के टैक्स रेट आपको दिए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट्स आपको दिए हुए हैं, याद है? ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। AOP का जो कंपनीज वाला अमेंडमेंट था वो BAB यहाँ पे कवर किया, BABE कवर किया एंड अदर टैक्स रेट कवर किया। ये आपके पहले सिलेबस में दिया ही नहीं था, सीधा लिख करके दिया जाता है, ये फाइनल में कवर है। अब लिख करके दिया, लिख करके दिया तो समझना भी है क्या। मजा आया सर? मतलब हाँ, इसलिए मैंने कहा अभी और 3 दिन लगेंगे तुम्हारे को इस चैप्टर पे आगे बढ़ने तक। सर CMA वालों का भी, CMA वालों तुमको तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, ये तो CA वालों को पहली बार आया, तुमको तो हमेशा से था। CMA वालों तुमको तो हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको छोड़ा ही नहीं, तुमको तो एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा के दिया ना, C और A के बीच में M। तुम्हारे को तो एडिशनल है ना भाई, इनके इसमें नहीं था, इन लोगों को पहली बार देखना है, तुम्हारे इसमें हमेशा से ही था, जब से आया था तब से। चलो हुआ, सर बुक अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ। बेटा ये था, आज का दिन कुछ काम हमारे अलावा, बराबर है ना? कुछ काम नहीं कर रहा, चल जाएंगे। हाँ, बट मैं आपको ये बात बता दूँ, ये बात उतनी ही सच है, बुक जो है वो 3 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। मैंने क्वांटिटी में ऑर्डर करी थी, बट भारत ने बहुत प्यार दिया, 3 बार आउट ऑफ स्टॉक हो गया अब तक। सिर्फ 50 मार्क के लिए इतना सेंसिबल है क्या? नहीं, यहाँ पे सेंस की बात कौन कर रहा है? कुछ भी सेंसेस की बात नहीं हो रही बेटा यहाँ पे। Is that done? हाँ जी, यहाँ पे ना एग्जाम्पल नंबर बोलो क्या होना चाहिए? लास्ट एग्जाम्पल क्या था? 8 था, 9 था? 8 था ना, ये 9 होगा ना, एग्जाम्पल नंबर 9। चलो अब एक काम करो, जिस पेज पे लिख रहे हो वो छोड़ दो, इसके अगले वाला पेज भी छोड़ दो, उसके आगे से चालू करो। जिस पेज पे लिख रहे हो वो छोड़ दो, अगले वाला पेज भी छोड़ दो, उसके आगे से चालू करो मेरे साथ एग्जाम्पल टैक्स प्लस रिबेट प्लस HEC कॉन्सेप्ट। सपोज करो आपका टोटल इनकम आ रहा है 696,288। ट्राई करोगे क्या? सर CS एग्जीक्यूटिव में भी 115 BAC डिफॉल्ट स्कीम में सॉल्व करना है क्या? बहन वो फाइनेंस एक्ट का अपडेट है, उसका CA CMA से कोई लेन देन नहीं। आप एडवोकेसी भी कर रहे हैं तो वो डिफॉल्ट ही है। हाँ जी बोलो मेरे बच्चा, पहले क्या करूं? राउंड ऑफ। सर राउंड ऑफ काय को करना है? टैक्स तो आने ही नहीं वाला, पंचायती नहीं करने का, राउंड ऑफ करने का, बराबर। चलो अब कैसे निकालोगे? अप टू 3 लाख क्या आएगा बेटा? नील। नेक्स्ट 3 लाख कितना परसेंट बेटा? 5%। इज इट 15,000? फिर 96,290 पे कितना परसेंट? 9629। आपका टोटल टैक्स कितना आया? $24,629। ये आपका टैक्स निकल गया। क्या रिबेट मिलेगा? प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला। असेसीज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट, टोटल इनकम ऐसे भी 7 लाख के ऊपर नहीं जा रही। रिबेट कितना मिलेगा? 24,629। तो आपका टैक्स क्या हो जाएगा बेटा? नील। HEC क्या हो जाएगा बेटा? एट द रेट ऑफ 4%। 0 × 4% इज ऑल्सो 0, है ना? नील। तो आपका टैक्स नील। अब मेरा कोई बच्चा पूछ रहा था सर 25,000 क्यों? इसलिए टैक्स ही उतना आता है, तो 25,000 तक के क्या कर रखा? नील। यहाँ तक है ठीक है बेटा, बराबर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 9.2, PGBP 4,50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 60,000, लॉटरी इनकम 40,000। कैलकुलेट टैक्स। निकालो फटाफट। सर आप शॉर्टकट में ऐड क्यों नहीं कर रहे हो? मृदुल शॉर्टकट में ऐड होगा, मैंने वो सिर्फ डिफरेंस का शॉर्टकट लगाया है। आप पहले वाला का ऐड जरूर करोगे, इनकम वैसी रही तो, वहाँ कहीं कोई जिमिक नहीं है। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा क्वेश्चन 5 लाख वाला है या 7 लाख वाला? लिखा होगा ना बेटा, फॉलो करना है क्या 115 BAC और नहीं? और अगर नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट क्या है? 115 BAC 7 लाख वाला। इतने प्यारे क्वेश्चन भी मत पूछो यार कि मेरे को ऐसा डर लग जाए, मतलब मेरे को यकीन हो जाए कि तुम फेल क्यों हुए हो। इतने भी क्वेश्चन प्यारे मत पूछो। नहीं दिया तो 115 BSc डिफॉल्ट है ना बेटा। Will there be tax after marginal relief? अच्छा, after rebate? Will there be tax? Yes? Okay. नॉर्मल और स्पेशल को अलग अलग कर ले क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 into 20%, everybody, is it 12,000? दूसरा आ रहा है बेटा लॉटरी 40,000 into 30%, अगेन इट इज़ 12,000, ये बन गया 24,000, इसको बी नाम दे दूँ। बचा हुआ नॉर्मल 4,50,000, ठीक है। इनकम अप टू 3 लाख नील, बैलेंस 1,50,000 पे टैक्स रेट 5%, 7,500, टोटल 7,500 इज A plus B, total tax 31,500 less, क्या रिबेट मिलेगा? मैक्सिमम रिबेट इज 25,000, yes or no? Balance is 6,500, add HEC at the rate of 4%. सिक्स सेवन सिक्स ज़ीरो। तो इस प्रॉब्लम से क्या सीखने को मिला? जरूरी नहीं जब आपको मैं 5-7 लाख के नीचे का क्वेश्चन दे दूँ उसका टैक्स हमेशा 0 ही आए। कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना। 7 लाख के नीचे 0 हर बार ये गलत जवाब होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको दिया क्योंकि मेरे को पता था ना एक बेसिक कंसेप्शन ना बन जाए कि 7 लाख के नीचे तो 0 ही है। डिपेंड करता है इनकम क्या है। समझ में आई बात? मार्क करो इंपॉर्टेंट, पहले वाले को नहीं, इस वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करो। यस। अब आपके मन में बहुत जोर से विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों का निर्माण आपके समक्ष हुआ रह जाएगा। तो क्या विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों का निर्माण? लॉन्ग रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ये तो वही बात है जो हम पिछला रिपीट करके आए, यहाँ पे आ गई। सिर्फ 5 की जगह क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 7। एवरीथिंग रेस्ट रिमेन सेम। एक बात बोलो, टाइम देखो ना, हम खत्म करने आ गए। Yes or no? आज टाइम का निकला आपको भी पता नहीं चला क्या? ये आपको पता चला, मेरे को नहीं पता चला। मेरे को सच में नहीं समझ, मेरे को अचानक मैंने घड़ी देखी, है टाइम हो गया ये बोला। सुनो ना, मी काय म्हणतो, अब एक इशू था जिससे मैं तुम्हें नेक्स्ट कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब जब तक ना बोलूँ तब तक ना लिखो। सुनो, मैं शायद 3rd या 4th अमेंडमेंट किस पे जा रहा हूँ? 4th, ठीक है। अब मैं 4th अमेंडमेंट पे जा रहा हूँ। अज्यूम your income is 7,20,000 बराबर। कैलकुलेटर पे टैक्स निकाल सकते हो क्या? निकालो। इज इट 27,000 प्लस 4%, यानी अगर टैक्स निकालने जाते 2,80,80 एवरीबॉडी, बराबर ना? अब भी कुछ नहीं समझा तुमको। इनकम कितनी है? 7,20,000। टैक्स कितना आ गया? 28,080। अब 7 लाख को कर दो बाजू। अब भी नहीं समझा इशू क्या है? एडिशनल इनकम कितनी अर्न थी? 20,000। टैक्स कितना आ गया? समझ में आया? अनड्यू हार्डशिप विद द टैक्स पेयर। कुछ लोगों को ना जो YouTube पे देख रहे हैं, अब क्लियर हुआ होगा मैं बोल के आ रहा हूँ। समझ में आया? इसलिए मैंने कहा तुम ना मुझे सिर्फ समय दो, तुमको सब समझ में आएगा। पर पहले रुको, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। टैक्स में एक चीज उधर है, एक चीज उधर है, एक चीज उधर है। जब तक तेरे को मार्जिनल रिलीफ नहीं सिखाता ना, तब तक तेरे को समझ ही नहीं आता मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए मेरे को पहले तेरे को मार्जिनल रिलीफ सिखाना पड़ा, फिर इधर लाना पड़ा। अब बता इशू क्या है? एडिशनल इनकम कितनी अर्न की है? 20,000। इस पे एडिशनल टैक्स कितना आ गया? 28,000। अनड्यू हार्डशिप है कि नहीं है? है। नवंबर दिसंबर 23 तक के फाइनेंस एक्ट 22 तक के इस पर मार्जिनल रिलीफ नहीं था। इस पर क्या नहीं था? मार्जिनल रिलीफ। अब रिबेट तो है ही है, रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ भी है। रिबेट के साथ साथ क्या है? मार्जिनल रिलीफ। अब अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बनाने बोलूं कि टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ निकालना है, तो फॉर्मूला तुम क्या बनाओगे? टैक्स अप टू ₹7 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 7 लाख एवरीबॉडी। टैक्स अप टू 7 लाख इज 0 अरे एवरीबॉडी, अनलेस अदरवाइज स्पेशल इनकम है, ठीक है। टैक्स अप टू 7 लाख इज 0 प्लस 20,000, तो आपका टैक्स कितना हो जाएगा बेटा? 20,000। और टोटल टैक्स पोस्ट HEC कितना हो जाएगा? 20,000। तो in this case by applying marginal relief with rebate the tax cannot exceed 20,800, जबकि टैक्स कितना आ रहा था? 28,080। समझ में आ रही बात? यानी अगर हम नॉर्मल जनरल प्रोविजन लगाते तो वो होता 28,080, पर अब रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ ला लिया। पिछले ओल्ड स्कीम में भी ऐसा कुछ नहीं है रिबेट के साथ मार्जिनल रिलीफ, न्यू स्कीम में रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ है। क्या है बेटा? रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ। इस पॉइंट का जो डिस्कशन है हम कल के लिए और बढ़ाते हैं, ठीक है। रुकेंगे आज यहीं पे ही। कंसेप्ट समझ में आया सभी को? यस, रुकेंगे यहीं पे ही। इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे कल। इज दैट डन? मजा आया सभी को? ऐसा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और पूरे भारत से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 1-2 दिन और होल्ड कर लो। जिसके बुक्स नहीं आए होंगे, चैप्टर नंबर 1 मैंने पूरा डाला हुआ है, आपको PDF दिया हुआ है। और मैं मैक्सिमम लिखा रहा हूँ, अभी बुक से पढ़ा ही नहीं रहा इसी के लिए। समझ में आ रही बात? तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बुक आ जाएंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। बाय 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 बोलो बच्चों। इस कंसेप्ट को फिर से वापस कल पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो, कंसेप्ट कवर नहीं हुआ। ओ भाई साहब, सर 800 रुपये तो एक्स्ट्रा देना पड़ ही रहा है। आप सही बोल रहे हैं बेटा, 8,000 बचा, आप वो नहीं देख रहे हैं, है ना? हाय सर, अरे अप्रिशिएट तो करो, टाइम पे कितना छोड़ रहा हूँ।